हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए, 100 एमसीक्यू का टेस्ट पेपर है। इससे आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं कि जो भी आप फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी किस टाइप की प्रिपरेशन चल रही है। ओके, तो देखिए, ये जो एमसीक्यूज और टेस्ट पेपर हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जैसे गुजरात में जूनियर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, असम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र में भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स होने हैं। ठीक है, तो आपका फार्मा का आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो ये एमसीक्यूज वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 100 एमसीक्यूज हैं तो आप इसमें अपने आप को एनालाइज करना और 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं वो भी स्कोर जो है आपका कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, और कमेंट किया कीजिए, इससे क्या होता है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना, कमेंट करना है। ओके, और वीडियो कैसी लगती है ये भी अपना रिव्यू वीडियो के बारे में ज़रूर दिया कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका राइबोफ्लेविन इज ऑप्शंस देख लीजिए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2 या विटामिन B12। तो राइबोफ्लेविन क्या है, आंसर करिए अपना। तो राइबोफ्लेविन जो होता है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप सोच सकते हैं। राइबोफ्लेविन क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 नायासिन होता है, B5 पेंटोथैनिक एसिड होता है, B6 क्या होता है पायरिडोक्सिन होता है, B12 साइनोकोबालमीन होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर कोल्ड। ऑप्शन देख लीजिए, ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोन, ग्लाइकोजन या ग्लाइकोल। नॉन शुगर पार्ट जो होता है ग्लाइकोसाइड का उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ग्लाइकोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ऑल आर हिटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड एक्सेप्ट। देखिए, ऑप्शंस दिए हैं आपको निकोटिन, स्ट्रैकनिन, एर्गोटामिन या एफेड्रिन। तो इनमें से सारे ही जिसमें हिटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स है, मतलब जिनमें हिटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, एक को छोड़ के किसको छोड़ के, एफेड्रिन को छोड़ के, ऑप्शन डी हो जाएगा, एफेड्रिन। एफेड्रिन जो होता है एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट है, विटामिन प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए। ओके, कोएंजाइम ए में कौन सा विटामिन है, देखिए, राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, बायोटिन या पेंटोथैनिक एसिड। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो विटामिन B5 होता है पेंटोथैनिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है कोएंजाइम ए में। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज या लैक्टोज। तो आपको पता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है आपका ऑप्शन ए सुक्रोज होता है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग वाला भी काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शन देख लीजिए, 1996, 2014, 2010 या 2007। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2014। ओके, नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन आयोडीन सोल्यूशन। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन, डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ आयोडीन या इम्प्रूव द अपियरेंस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। तो पोटाशियम आयोडाइड जो होता है उसको आयोडीन सोल्यूशन में यूज़ क्यों करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ 7% सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1 in 100 सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, 0.026 ml, 2.8 ml, 7 ml या 35.71 ml। तो इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लेना, अगर अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, मैं इसको सोल्व करा दूँगी। वैसे मैंने कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है तो आप वो चेक कर लेना, आपको कैलकुलेशन के काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 35.71 ml। नेक्स्ट है, टर्म यूज टू डिस्क्राइब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टेबलेट। ऑप्शन है, लैमिनेशन, कैपिंग, पिकिंग या चिपिंग। ठीक है, तो क्या है टर्म यूज टू डिस्क्राइब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टेबलेट, दिस इज कैपिंग। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, कैपिंग। नेक्स्ट है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन लोबेलिया, मिंट लीव्स, नक्सवोमिका या बुचू। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं नक्सवोमिका में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, शेड्यूल सी एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, लिस्ट लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या जेनरिक ड्रग। तो शेड्यूल सी जो होता है उसमें आता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा,
बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल कौन सा होता है? कॉस्मेटिक्स के लिए होता है शेड्यूल एस होता है। ओके, लाइफ पीरियड के लिए कौन सा होता है? शेड्यूल पी होता है। नेक्स्ट, नेचुरल प्रोटीन यूजेस बाइंडर इज एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, फिब्रिनोजन या ट्रैगाकैन। आंसर इज ऑप्शन बी, जिलेटिन। नेक्स्ट, एसिड प्लेटिनम इज क्लासिफाइड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी न्योप्लास्टिक या एंटी एपिलेप्टिक। सिस प्लेटिनम जो होती है ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटी न्योप्लास्टिक होती है। नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलेरियासिस, कार्बामाजेपिन, डाइथाइल सक्सिनेमाइड, डाइथाइल कार्बामाजीन या कार्बिमाजोल। तो फिलेरियासिस जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है बुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ऑप्शन सी, डाई इथाइल कार्बामाजीन। ओके, इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक विच कोज ग्रे बेबी सिंड्रोम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी एंटीबायोटिक कोज करती है? जेंटामाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, क्लोरामफेनिकोल या एमिकेसिन। दिस इज क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिटाजोलामाइड इनिबिट द एंजाइम, तो एसिटाजोलामाइड है कौन से एंजाइम को इनिबिट करेगा? देखिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज या पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एसिटाजोलामाइड जो होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करेगा एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है, विस्कोसिटी ऑफ अगार सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एगारोज, सेलुलोज, एगारोपेक्टिन, सेलोबायोज। तो अगार जो होता है इसके अंदर एगारोज प्रेजेंट होता है और एक एगारोपेक्टिन होता है, तो विस्कोसिटी जो होती है अगार की वो होती है किसकी वजह से होती है? ऑप्शन सी, एगारोपेक्टिन की वजह से होती है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीथायरॉइड ड्रग? ऑप्शन देखिए, कार्बिमाजोल, लीवोथायरोक्सिन सोडियम, प्रोपाइलथायोयुरासिल, आयोडीन। तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, लीवोथायरोक्सिन सोडियम। नेक्स्ट है, एन एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में कौन सा एंटी एस्ट्रोजन यूज़ करेंगे? देखिए, टैमोक्सिफिन, आइब्यूप्रोफन, नेप्रोक्सन या क्लोमिफिन। ओके, देखिए इनफर्टिलिटी के लिए जो यूज़ करते हैं वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोमिफिन। ओके, नेक्स्ट है, ड्रग विच कंटेन कैटिकोल न्यूक्लियस, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है? देखिए, नोराड्रेनालिन दिया है ऑप्शंस में, एफेड्रीन, फिनाइल एफरीन या सुडोएफेड्रीन। तो कैटिकोल न्यूक्लियस जो होता है वो आपका किसके अंदर होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नोराड्रेनालिन होता है, एक एड्रेनालिन के अंदर होता है और एक डोपामिन होता है। ओके, इनको एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रस वूल फैट इज नोन एज लैनोलिन, मैक्रोगोल, कोलेस्टेरोल या लैसिथिन। हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, लैनोलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, रिपैकिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड इन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल CC1, शेड्यूल एच या शेड्यूल ओ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेड्यूल CC1। नेक्स्ट है, एंटीडोट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोर पॉइजनिंग, देखिए, फाइसोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, प्रालिडोक्साइम, पिलोकार्पिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रालिडोक्साइम होता है। नेक्स्ट है, इस लाइन पर गेटिव इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सलाइन पर गेटिव हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है, डस्टिंग पाउडर कंटेन्स बोरिक एसिड, बोरेक्स, जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट। डस्टिंग पाउडर में होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरिक एसिड। नेक्स्ट है, अल्कोहल प्रेजेंट इन द स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है? स्फिंगोसिन, स्फिंगानिन, स्फिंगोमाइलिन या सिरामाइड। तो स्फिंगोलिपिड्स के अंदर होता है ऑप्शन ए, स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, इन फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट ग्लाइडेंट इज, तो ग्लाइडेंट इनमें से कौन सा है? देखिए, लैक्टोज, स्टार्च, जेलेटिन या टैल्क। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टैल्क जो होता है एज अ ग्लाइडेंट यूज होता है। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? फ्लो प्रोमोटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ज़ाइलोकोइन इज ब्रांड नेम ऑफ बेंजोकेन, प्रोकेन, लिग्नोकेन या सिंकोकेन। तो ज़ाइलोकेन किसका ब्रांड नेम होता है? ऑप्शन सी, लिग्नोकेन का, इसको लीडोकेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शोक, एनाफाइलेक्टिक शोक में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, एड्रेनालिन, नोराड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन या एफेड्रिन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शोक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द कैस्टर सीड, कैस्टर सीड के अंदर टॉक्सिक प्रिंसिपल कौन सा होता है? रिसिनोटैनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, आइसोरिसिनोलिक एसिड, रिसिन। तो कैस्टर ऑयल जो होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो टॉक्सिक प्रिंसिपल होता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रिसिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 डील्स विद, ठीक है। तो M1 शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो शेड्यूल M में जो M1, M2, M3 पढ़ते हैं आप,
उसमें से M1 का आपसे पूछा है। देखिए ऑप्शंस में एलिफैटिक मेडिसिंस दिया है, होम्योपैथिक मेडिसिंस, मेडिकल डिवाइसेस या कॉस्मेटिक्स। तो M1 के लिए क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिंस। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सियल बोन्स होती है वो कितनी होती है, 126, 80, 206 या 202। तो जो एक्सियल बोन्स होती हैं ये होती है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 80 होती है। ओके नेक्स्ट है इंडियन सना ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट। सना का सोर्स के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, तो इंडियन सना का सोर्स बताइए, केशे एंगुस्टिफोलिया, केशे एक्यूटिफोलिया, केशे ओबोवाटा या केशे ओरिकुलाटा। इंडियन सना ऑब्टेन होती है केशे एंगुस्टिफोलिया से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स होता है केशिया एक्यूटिफोलिया, ठीक है। डोग सेना का सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा, और जो पालथे सेना होती है उसका सोर्स होता है केशिया ओरिकुलाटा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10। ऑप्शन है फिब्रिनोजन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। देखिए क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है इनके, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्टिव नेम पूछा है क्लोटिंग फैक्टर 10 के लिए कौन सा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है। ओके नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल प्रिपरेशन, नेजल ड्रॉप्स, इफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन से ओटिक प्रिपरेशन। स्टेराइल जो प्रिपरेशन होती हैं उसमें आपके ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन आती हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, किसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। देखिए इमल्शंस है, सस्पेंशंस है, वैक्सीन्स है, नन ऑफ द अबव। वैक्सीन्स को स्टोर करेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड एल्कलोइड, कौन सा है जो लिक्विड एल्कलोइड है, निकोटीन, स्ट्रैकनिन, क्विनिन, सिनकोनिन। ये होता है आपका निकोटीन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल आर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, ऑप्शन आर डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, ड्राइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स। तो शेड्यूल आर के लिए आपका होता है ऑप्शन सी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है ये है स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर IP, ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस के लिए जो स्टरलाइजेशन कंडीशन है तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSIG 430 मिनट्स, ठीक है। 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एनीवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज चिपिंग, मॉटलिंग, लैमिनेशन या कैपिंग। आंसर करिए इसका, एनीवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है एल्कलोइड यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन सा एल्कलोइड यूज़ करेंगे, एमिटिन, फेड्रीन, एर्गोमेट्रिन या स्ट्रैकनिन। तो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए आपका होता है फेड्रीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स इज जनरली डिफाइंड एज जर्मीसाइड, स्टरिलिटी, बैक्टेरिसाइड या एंटीसेप्टिक्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मीसाइड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रोपिन लाइक ड्रग, एट्रोपिन लाइक ड्रग कौन सा है, कार्बिडिलोल दिया हुआ है, इप्राट्रोपियम, रिट्रोवीर या डीमकेरियम। एट्रोपिन लाइक ड्रग मतलब जैसे एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है तो इसके जैसा ड्रग हो जाएगा ऑप्शन बी इप्राट्रोपियम। ओके ऑप्शन बी इप्राट्रोपियम भी जो क्या है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। नेक्स्ट है सल्फोनाइल यूरिया ड्रग इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इनसिपिडस, देखिए ग्लिपिजाइड, ग्लैब्यूराइड, टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, इनमें से कह रहे कौन सा सल्फोनाइड सल्फोनाइल यूरियाज हैं जिसको डायबिटीज इनसिपिडस के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, ये ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरप्रोपामाइड। ओके नेक्स्ट है ओपेसिटी एजेंट इज जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओपेसिटी एजेंट होता है ऑप्शन बी हो जाएगा टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है 1 tablespoonful इक्विवेलेंट टू, 1 tablespoon में कितना ml होता है, देखिए 10 ml, 15 ml, 20 ml या 5 ml। 1 tablespoonful में 15 ml होता है, teaspoonful में 4 ml होता है, dessert spoonful में 8 ml होता है। नेक्स्ट है iatrogenic disease means drug induced disease, systemic infections, physician induced disease, contagious disease। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी physician induced disease। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सी नहीं आती, देखिए रिफाम्पिसिन है ऑप्शन में, इथियोनामाइड, आइसोनियाज़ या थैम्ब्यूटोल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर करिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथियोनामाइड नहीं होती, बाकी रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, इथैम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराज़िनामाइड, ये सब क्या होती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन कौन सी है, सिफपिम, सिफिरोक्सिम, सिफिक्सिम, सिफेलेक्सिन। तो ये सिफा वाले जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सिफालेक्सिन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल का यूज़ कौन सा नहीं है, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, माइग्रेन, हाइपरटेंशन। प्रोप्रेनोलोल के यूज़ में ऑप्शन बी कैटरेक्ट में यूज़ नहीं करते, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन प्रेजेंट इन द शार्क लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो शार्क लिवर ऑयल जो होता है उसके अंदर होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, जो पीटीसी है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी उसका सेक्रेटरी कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर या चीफ फिजिशियन। ऑप्शन बी हो जाएगा फार्मासिस्ट जो होता है वो होता है सेक्रेटरी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम, कौन सी ड्रग है जो हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है। देखिए आइसोनियाजिड, फिनाइल ब्यूटाजोन, सिमेटिडिन, फैनिटोइन। एंजाइम इंड्यूसर में ऑप्शन डी आ जाएगा फैनिटोइन, जो क्या होती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन अप्लाई टू बॉडी कैविटी, देखिए कोलोडियन, लिनीमेंट्स, डाउचीज या पेंट्स। बॉडी कैविटी में कौन सी प्रेपरेशन अप्लाई करेंगे तो डाउचीज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 1 mg इज इक्वल एंड टू, 1 mg जो है किसके बराबर होगा, ऑप्शन देख लीजिए। ओके देखिए 1 mg हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1000 माइक्रोग्राम के इक्वलेंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है लिथियम कार्बोनेट थेरेप्यूटिकली यूज टू ट्रीट, लिथियम कार्बोनेट को किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, देखिए साइजोफ्रेनिया, इंसोमनिया, मैनिया या एपिलेप्सी। मैनिया के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेग इज कोस्ड बाय, ऑप्शन है क्लैप्सेला न्यूमोनिया, ट्रिपोनेमा पलीडियम, अर्सिनिया पेस्टिस, नन। तो प्लेग का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ऑप्शन सी अर्सिनिया पेस्टिस। नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेंट इज सक्सिनाइलकोलीन, एस्टाइलकोलीन, कोलाइन सैलिसिलेट या कोलिस्टायरामीन। मसल रिलैक्सेंट में आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, सक्सिनाइलकोलीन आ जाएगा। नेक्स्ट है ज़ालोमेटाजोलिन इज क्लासिफाइड एज नेजल डिकंजेसेंट, लोकल एनास्थेटिक, एनिटासी या एमेटिक। जो ज़ालोमेटाजोलिन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नेजल डिकंजेशन में आता है। नेक्स्ट है एंटीटसिव इज, ऑप्शन है डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रामिन, डिसलोराटेडिन, नन। एंटीटसिव कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा डाइफिनहाइड्रामिन। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सिक्रेशंस ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी, ठीक है तो यूरिन का सिक्रेशन बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सिक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी इज नेफ्राइटिस, यूरिमिया, एन्यूरिया, एनोरेक्सिया। ऑप्शन सी हो जाएगा एन्यूरिया। ओके नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ राइबोफ्लेविन बाय लाइट इज क्लासिफाइड एज रेसिमाइजेशन, फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो देखिए डिग्रेडेशन ऑफ राइबोफ्लेविन बाय लाइट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है ड्रग यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग की मैनेजमेंट में ड्रग कौन सी यूज होगी, मेटोक्लोप्रामाइड, ओंडेंसिट्रोन, सोमाट्रिप्टन, सिसप्राइड। ठीक है तो जो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए मैनेजमेंट के लिए ड्रग यूज करेंगे वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी ओंडेंसिट्रोन हो जाएगी। ओके नेक्स्ट है रेडियोपेक कंपाउंड, रेडियोपेक ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी इज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी हो जाएगा बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं। ओके BaSO4। नेक्स्ट है वन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस पर लीटर इज कोल्ड, देखिए मोलाल सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, परसेंटेज सोल्यूशन। ऑप्शन सी हो जाएगा नॉर्मल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनोल, नो प्रिजर्वेटिव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमो मैने, ऑप्शन है एज डायरेक्टेड, ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो प्राइमो मैने होता है ऑप्शन डी अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग रिजल्टिंग फ्रॉम प्रायर एक्सपोजर टू दैट ड्रग और टू ए रिलेटेड ड्रग इज कॉल्ड, देखिए ड्रग टॉलरेंस, ड्रग हैबिचुएशन, ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा ड्रग टॉलरेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पोजनिंग, साइनाइड पोजनिंग के लिए कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, देखिए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट है श्याम बेंजोन डिफर फ्रॉम सुमात्रा वैरायटी ड्यू टू द इनसफिशियंट कंटेंट ऑफ, देखिए बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, कोनिफराइल अल्कोहल, कोनिफराइल बेंजोएट। ऑप्शन बी हो जाएगा सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन द सिनकोना बार्क इज क्विनिन, सिनकोनिडिन, सिनकोनिन, क्विनोविन। तो सिनकोना के अंदर जो ग्लाइकोसाइड है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्विनोविन है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कंपाउंड एफर्वेसेंट पाउडर. कंपाउंड एफर्वेसेंट पाउडर का इंग्रेडिएंट कौन सा है? बिस्मथ सबकार्बोनेट, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट या सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट. ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट. नेक्स्ट है सोल्यूशन कंटेनिंग 6% वेट पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड कोरस्पॉन्ड टू. ऑप्शंस देख लीजिए, 5 times इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, 20 times इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, 10 times इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन या 15 times इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन. आंसर इज ऑप्शन बी, 20 times इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन. जैसे ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट. ग्रीन विट्रियोल होता है ऑप्शन ए. फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं. कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं. जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं. नेक्स्ट, हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल इक्विपमेंट एग्जिस्ट इन द बजट हॉस्पिटल, इलाइट हॉस्पिटल, मेडियम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल. तो ये हाई टेक्नोलॉजी जो होती है इलाइट हॉस्पिटल्स में होती है. ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है पेशेंट विद बोन प्रॉब्लम्स गोज टू विच हॉस्पिटल. ठीक है, जिनको बोन प्रॉब्लम्स है वो किस टाइप के हॉस्पिटल्स में जाएंगे? देखिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, मेटर्निटी हॉस्पिटल्स, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स या पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट है विच एजेंसी एडवाइज गवर्नमेंट एंड डी टैब ऑन इशू रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट द कंट्री. कौन सी एजेंसी है जो एडवाइज करती है गवर्नमेंट को, डी टैब को, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को? ऑप्शन देख लिए, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी. ओके, नेक्स्ट है एविल इज अ ब्रांड नेम ऑफ. ऑप्शन है क्लोरफिनायरामीन मेलिएट, फिनायरामीन, प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामीन. तो एविल किसका ब्रांड नेम है? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरफिनायरामीन मेलिएट. नेक्स्ट है डेविल डंग इज द सिनोनिम ऑफ मीर असफोटिड डिजिटालिस जिनसिंग. डेविल्स डंग कौन से ड्रग का सिनोनिम है? ये है आपका असफोटिडा का सिनोनिम होता है डेविल्स डंग. ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन. तो इंसुलिन के लिए मोस्ट सुटेबल रूट कौन सा है? इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, इंट्रावीनस या इंट्रावीनस बोलस. इंसुलिन को देते हैं सबकुटेनियसली. ऑप्शन बी हो जाएगा, सबकुटेनियस. नेक्स्ट, एग योक इज यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडर, प्रिजर्वेटिव. एग योक जो होता है ऑप्शन बी हो चुका, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है. नेक्स्ट है एन एजेंट यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन. गैस स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या इथाइलिन ऑक्साइड. तो आंसर आपको वैसे इसका दिखी गया, ऑप्शन डी, इथाइलिन ऑक्साइड. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूट ऑफ सिनकोना. सिनकोना का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? सिनकोना सक्सी रूब्रा, सिनकोना कैलिसाया, रेमिजिया पिडंक्युलाटा या सिनकोना ऑफिसिनालिस. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट जो होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह है रेमिजिया पिडंक्युलाटा. नेक्स्ट है ऑटो ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी ऑफ एर्गट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एर्गोटामिन, एर्गोमेट्रिन, डाईहाइड्रो एर्गोटामिन या लिसर्जिक एसिड डाईथाइलामिन. ऑक्सीटोसिक जो ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी होती है एर्गट की वो होती है किसकी? एर्गोमेट्रिन की वजह से. ऑप्शन बी हो जाएगा, एर्गोमेट्रिन. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्शंस. देखिए, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, क्रैकिंग या फ्लैशिंग. तो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्शन में फ्लैशिंग नहीं आता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सिस्टमिक एसिडिफायर. पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट. ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप P32, फॉस्फोरस 32 यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कार्सिनोमा ऑफ बोन, थायरॉयड कैंसर, पॉलीसाइथीमिया वीरा. ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया वीरा. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिल्टरिंग एड. फिल्टर एड कौन सा है? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज या कैओलिन. कैओलिन दिया हुआ है आपको. कैओलिन क्या होता है? फिल्टर एड होता है. ऑप्शन डी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है रेडियोपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT. ये फिर से आगे क्वेश्चन है ना, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड या बेरियम सल्फेट. देखिए कितने क्लोज इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, बेरियम सल्फेट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा. देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ बेरियम सल्फेट वाला. तो नेक्स्ट है डिजीज़ करैक्टराइज्ड बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड. ब्लड में प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए कौन सी डिजीज़ है? देखिए, लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया. पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज.
या थ्रोम्बोसाइथीमिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, अगर कम होंगी प्लेटलेट्स ब्लड में उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोल देंगे, इसमें ज़्यादा है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइथीमिया। नेक्स्ट है मेथड फॉर मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंटीज, टम्बलिंग, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, स्विफ्टिंग या लेविगेशन। ये क्वेश्चन जी पैट में भी आया हुआ है सेम, ओके, फार्मासिस्ट एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। नेक्स्ट है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। देखिए ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड या एस ग्लाइकोसाइड। देखिए जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं आप, लेकिन जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट है वो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनेमोन इज मार्केटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड क्विल्स, डबल क्विल्स, सिंपल क्विल्स या चैनल्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा कंपाउंड क्विल्स। नेक्स्ट है हैवी एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर इन देयर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, सोल्युबिलिटी, मोलिकुलर वेट या बल्क डेंसिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट है एंड इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अल्कैप्टोन्यूरिया इज ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम, ऑप्शन है फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज। तो अल्कैप्टोन्यूरिया जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के, मिनाडियोन, कोमेरिंस, वॉरफेरिन सोडियम, हिपेरिन। विटामिन के का सिंथेटिक एनालॉग है ऑप्शन ए मिनाडियोन। नेक्स्ट है कॉशन इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, शुड बी इंक्लूडेड इन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल एक्स या शेड्यूल सी ड्रग। ठीक है, तो कौन सी शेड्यूल की ड्रग है जिसमें ये लिखा होता है कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ये शेड्यूल जी ड्रग के लिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा शेड्यूल जी ड्रग्स। नेक्स्ट है प्लांट स्टीरोइड्स यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, सोलानिन, डायोजेनिन, सोलानिडिन, विराट्रिडिन। आंसर इज ऑप्शन बी डायोजेनिन, जो किससे ऑप्टेन होता है, डायोस्कोरिया से। डायोस्कोरिया का सिनोनिम होता है यम, सोर्स तो डायोस्कोरिया डेल्टोडिया, डायोस्कोरिया सी फैमिली होती है। नेक्स्ट है ड्रग विच कोज ओटोटॉक्सिसिटी, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा नियोमाइसिन। नियोमाइसिन जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, ओके, और एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो होती है ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हैज अ नेफ्थाक्विनोन रिंग, कौन से विटामिन है जिसमें नेफ्थाक्विनोन रिंग है, ये विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन बी ट्वेल्व। ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन के जो होता है इसमें नेफ्थाक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है आपका एन एजेंट यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या इथाइलिन ऑक्साइड, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs हैं हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, तो ये आपके आप अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।